तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और मेरे चैनल प्रेडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले T100 जो कि इंग्लैंड ने लॉन्च किया था 2021 में। देखेंगे हम लोग T100 का फुल एक्सप्लेन, रूल एंड रेगुलेशन कैसे इसमें प्ले किया जाता है, कैसे ये मैच होती है, कितने टीम इसमें प्ले करेंगे, वुमेन मेंस दोनों टीम इस मैच में पार्टिसिपेट करने वाली है, देश विदेश से बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर जाके इस मैच को खेलेंगे, चाहे वो राशिद खान हो या फिर जॉस बटलर। इंडिया से फिलहाल तो कोई प्लेयर नहीं जा रहा है, आशा करते हैं कि इंडिया से एक ना एक दिन जाए। सो चलिए हम लोग देखते हैं T100 का हर एक इन्फॉर्मेशन करेंगे एक्सप्लेनेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों T100 आपको हर एक फैंटेसी एप्लीकेशन में फिलहाल दिख रहा होगा, और दिखने के बावजूद आपको T100 में होता क्या है कि जैसे IPL का कैसा क्रेज होता है, दोस्तों IPL के टाइप का क्रेज इसमें बना हुआ है। बहुत से फैंटेसी एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं T100 में। दोस्तों T100 बोलो या फिर D100 बोल सकते हो, सो इसमें ऑफर्स दे रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, सो हमें इसमें खेलना तो बनता है। और मैं आपको D100 का हर एक फैंटेसी टीम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ, सो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं D100 की। सो दोस्तों D100 क्या है, वाट इज D100? D100 इज एन एक्शन अनमिसेबल 100 बॉल क्रिकेट कंपटीशन डेट विल पुट ऑन योर ईज ऑफ योर सीट, एवरी वन इज वेलकम। सो D100 100 बॉल का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें देश विदेश के हर एक प्लेयर का वेलकम है। मतलब कि दोस्तों इसमें तो हर एक प्लेयर तो आएंगे ही, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बट इसमें क्या है कि 100 बॉल का ये मैच होने वाला है। सो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये होगा कि भाई 100 बॉल का मैच क्यों कराया, कराना है तो T10 करवा देते 60 बॉल का, तो 100 बॉल का क्यों? तो दोस्तों इंग्लैंड हमेशा कुछ नया करने के लिए ही नामी है। 100 बॉल का ये मैच है, ये T20 नहीं है, 120 बॉल का नहीं, ये ओनली आपको है 100 बॉल के। तो दोस्तों फिर हर एक चीज़ में बदलाव होंगे, ओवर में बदलाव होंगे, पावर प्ले में बदलाव होंगे, स्ट्राइक रेट में बदलाव होंगे, बैटिंग में बदलाव होंगे, हर एक चीज़ में यहाँ पे बदलाव होगा, हम सब डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहिए। देन दोस्तों व्हाट डज इट स्टार्ट, मतलब कि ये T100 स्टार्ट कब हुई थी। सो ये भी एक बड़ी बात है कि स्टार्ट कब हुई थी, 2021 में T100 यानी कि D100 को स्टार्ट किया गया था, जुलाई और अगस्त के महीने में इसको खेला गया था, और इसमें दो टीम मेंस और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट लेती है, यानी कि दोनों में 8-8 टीम है और दोनों में वुमेन्स और मेंस अलग है, दोनों अलग अलग खेलेंगे, वुमेन्स की अलग टीम है और मेंस की अलग टीम है। आप कंपेयर कर सकते हो IPL से, IPL में भी इंडिया का भी IPL होता है, मेंस का भी और वुमेन्स का भी, दो अलग अलग। सो IPL टाइप का क्रेज बनाया जा रहा है, इसमें 8 टीम शामिल है और 8 टीम मेंस के भी है और वुमेन्स के भी है। मेंस वाली मैच होगी शाम में, वुमेन्स वाली मैच होगी मॉर्निंग में, ओके। और इसमें 8 टीम है तो 3 टीम क्वालिफाई करेगी, आप ये चीज़ समझ के चलो कि 3 टीम क्वालिफाई करेगी। IPL में क्या होता है कि 4 टीम क्वालिफाई करती है, बट इसमें 3 टीम क्वालिफाई करेगी, फिर एक टीम वापस घर जाएगा और 2 टीम में से बचा हुआ कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। सो इस टाइप से ये मैच हो रही है, एकदम जो है ना रूल को बदल के रख दिया है, ऐसा है ये D100। 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, एक तो है ब्रिंघम फिनिक्स जो कि इन वेस्टर्न में है, उसके बाद है लंदन स्प्रिट, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर ओरिजिनल 3rd, नॉर्दर्न सुपरचार्ज 4, ओवर इनवेसिबल किया ओवल, साउदर्न ब्रेव एंड ट्रेंड रैकेट वेल्स फायर। दोस्तों ये 8 टीम है, और वुमेन्स में आप बस इसमें वुमेन्स लगा दो, आगे ब्रिंघम वुमेन्स, लंदन स्प्रिट वुमेन, मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेन, दोस्तों इस टाइप से दोनों की टीम हो जाती है। अब बात करते हैं 100 बॉल के रूल एंड रेगुलेशन की, कि भाई आपने बोल तो दिया 100 बॉल का मैच है, लेकिन मैच होगी कैसी, क्योंकि 100 बॉल तो कोई रूल बन नहीं रहा है। तो पहला बात तो समझ लो कि ये एक साल पहले भी ये हो चुकी है, तो अगर आप इसमें खेलने जा रहे हो तो आपके लिए न्यू होगा, बट बहुत से फैंटेसी यूजर के लिए ये न्यू नहीं है। सो 100 बॉल का ये मैच है, आप समझ लो कि 100 बॉल का मैच है जिसमें आपको द इट 100 बॉल पर इनिंग हुएवर स्कोर द मोस्ट रन विन, 100 बॉल का मैच है जिसमें जो ज़्यादा रन स्कोर करेगा वो विन करेगा। तो दोस्तों यही होता है, द फील्डिंग साइज चेंज इंस आफ्टर 10 बॉल। सो ऐसे क्या होता था, T20 में
T20 में क्या होता है, 6 बॉल कराया उसके बाद बॉलर अपना नेक्स्ट बॉलर जो आएगा वो पिच चेंज कर सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 10 बॉल पे पिच चेंज होगी, 10 बॉल पे पिच चेंज होगी। आप समझ, आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1 ओवर 10 बॉल का होगा, बट इसमें कुछ अलग है। 1 ओवर 10 बॉल का ना होके 1 ओवर 5 बॉल का भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अगला जो है टर्म एंड कंडीशन कि एक बॉलर 5 बॉल फेंक सकता है कंटिन्यू और 10 बॉल, यानी कि अगर उसने अच्छा बॉल कराया तो उसके कैप्टन का डिसीजन होगा कि उसको आगे अपना बॉल कंप्लीट करना है या नहीं। 5 बॉल फेंका उसके बाद 5 बॉल चाहे तो वो और फेंक सकता है, यानी कि 6 बॉल वाला ओवर नहीं है, ये 10 बॉल वाला ओवर है। मान लो कि कोई अच्छा बॉलर आ गया, मान लो राशिद खान आ गया, ओके राशिद खान आ गया, ट्रेन बताओ यार, उसको कोई बोल सकता है क्या भाई आपने बॉल खराब कराया, 5 बॉल नहीं आपको, 10 बॉल नहीं आपको 5 बॉल दिया जाएगा। तो राशिद खान के पूरे 10 बॉल फेंकेंगे यार, एक तो उनका 6 बॉल खेलना मुश्किल होता है, अब पूरे के पूरे 10 बॉल उनका कोई कैसे खेल पाएगा। तो आप समझ सकते हो एक बॉलर चाहे तो 5 बॉल या फिर 10 बॉल कंटिन्यू अपने हिसाब से फेंक सकता है। एक बॉलर करीबन 20 बॉल फेंकेगा, यानी कि करीबन आप बोल सकते हो 20 बॉल, यानी कि 4 ओवर, 4 बॉल का ओवर मान लो आप, नहीं तो 2 ओवर। एक बॉलर 20 बॉल फेंक सकता है एंड ईच बॉलर का ड्रिबल मैक्सिमम ऑफ 20 बॉल पर्सन, यानी कि 20 बॉल उसको फेंक सकता है, उसके कम उसका मन जितना बॉल 15 बीघे या फिर 10 बीघे ये उसके ऊपर है। अगर बॉलर के बॉलिंग पे चेंज आई है तो पावर प्ले पे ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, क्योंकि 6 बॉल का पावर प्ले होता था, 6 बॉल का तो 6 बॉल का मैच होती थी, तो 6 ओवर पे पावर प्ले लिया जाता था। तो ये तो भाई 10 बॉल की मैच है, 10 बॉल का इसमें ओवर लिया जा रहा है, 5 बॉल या फिर 10 बॉल कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो इसमें पावर प्ले कैसे होगा, इसमें क्या है कि हर 25 बॉल पे पावर प्ले होगा। सिंपल मतलब कि 25 बॉल हुए, 10 बॉल, फिर 10 बॉल किसी एक ओवर में भीगा, फिर किसी एक बॉलर ने 5 बॉल भीगे, उसके बाद पावर प्ले। पावर प्ले इसमें क्या है कि 30 यार्ड टू फील्डर आर अलाउ आउटसाइड द 30 यार्ड आर्टिकल ड्यूरिंग द पावर प्ले, यानी कि पावर प्ले के बाद ओनली टू प्लेयर अलाउ होने वाले हैं 30 यार्ड के बाहर, बाकी सब अंदर रहेंगे। मैच लेंथ की अगर बात की जाए तो करीबन 2.5 घंटे का ये मैच होगा। टाइम आउट की बात करते हैं, टाइम आउट यानी कि मैच के बीच में जो एक 6 ओवर के बाद जो टाइम आउट होता है, ये क्या होगा, ईच बॉलिंग साइड गेट अ स्ट्रेटजिक टाइम आउट अप टू 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट का टाइम आउट इनको लिया जाएगा। द कोच कैन वॉक आउट एंड मिडल ऑर्डर एंड डिस्कस द प्लेयर, उसके बीच में कोच आके प्लेयर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, और उनसे अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। इसमें पावर प्ले के टाइम ही टाइम आउट होता है, ये सबको पता है, यानी कि करीबन 24-25 बॉल के बाद टाइम आउट होगा। दोस्तों कहना इसमें इतना है। अब ये तो मैंने डिस्कस कर ली इस मैच को खेला कैसे जाएगा, टर्म एंड कंडीशन कितने का पावर प्ले है, कौन सा बॉल कितना बॉलर फेंकेगा। बैटिंग की बात की जाए तो बैट्समैन का कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप जो भी बैट्समैन आएगा एक बार बैटिंग करना स्टार्ट करेगा तो लास्ट तक उसका मन है बैटिंग करे या फिर नहीं करे। 11 प्लेयर के साथ टीम खेलेगी, ओके ये देखने वाली बात है कि बैट्समैन पूरे 11 होंगे, बॉलर कम सकते हैं, बॉलर की बॉलिंग कम सकती है, ओके तो ये बात तो हो गई। देश विदेश से इस मैच में प्ले आने करने वाले करने के लिए आने वाले हैं, तो ये मैच हाई लेवल तक जा सकती है। फर्स्ट मैच में उतना हाइप नहीं मिला था, पर सेकेंड मैच में बहुत सा हाइप मिल रहा है। फैंटेसी की बात करते हैं तो कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन ने अपना पॉइंट सिस्टम अपडेट किया है, मतलब T100 के नाम से एक अलग पॉइंट सिस्टम है, यानी कि सोचो यार T10 पैसे हुआ था, T100 पे अलग से पॉइंट सिस्टम है। तो आप लोग जाके एक बार T100 का एक बार पॉइंट सिस्टम चेकआउट करना, कुछ एप्लीकेशन ने चेंज किया है, कुछ एप्लीकेशन ने नहीं, कहा कि वही पुराने वाला सेम खिलाएंगे, तो आप देख लेना एक बार, जिसमें चेंज है वो ठीक है, जिसमें नहीं वो नहीं है। आई होप आपका ये जो पॉइंट सिस्टम का ये जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो गया होगा इस वीडियो के बाद। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ भी छूटा हो तो कमेंट कीजिए। इस पर मैं एक वीडियो और लाने की सोच रहा हूँ, जिस पर मैं इसमें आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा और जो कुछ बची कुछ ही होगी वो भी बता दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में, लव यू ऑल।